हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएचडी स्कूल ऑनलाइन क्लासेज बसावदापुर में आपका स्वागत है। देखो, हमारा चैप्टर चल रहा था 16 का, स्फीयर इन गोला, 8 जुलाई का, आज का है। देखिए, गोले से संबंधित हमने जो कुछ क्वेश्चन किए थे वो आपके समझ में आ गए हैं। ये आज का क्वेश्चन है। देखो, 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला, कितने सेंटीमीटर व्यास का, 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है और 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है, जो 12 सेंटीमीटर व्यास का क्या है, एक बेलनाकार बर्तन है और उसमें उसमें ना ये गोला है ना, ये डाला गया है और वो बेलन है ना, वो पानी से भरा हुआ है। समझ गए बच्चों? और बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, कहने का मतलब है कि ये जो है ना, ये दे रखा है, देखो ये बेलन है, ये क्या बच्चों, बेलन है और बेलन में ये पानी भरा है। ठीक है बच्चों, और बेलन में ये पानी भरा है और ये गोला है, ये है गोला, ठोस गोला है बच्चों, और ये गोला है, ये इसमें डाला जाता है इस प्रकार। तो ये पानी है ना, ये पानी ये कितना ऊपर जाएगा, कहने का मतलब ये है कि ये पानी की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी, ये ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी जब ये गोला डाला गया है। तो आप क्या करोगे, इस बेलन का आयतन बराबर करोगे इस गोले के आयतन के बराबर, जो बेलन दे रखा है ना उसका आयतन करोगे, यानी गोले का आयतन बराबर बेलन बेलनाकार बर्तन का आयतन, तब आएगी इसकी ऊंचाई। देखो, 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है, तो 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला, तो गोले की त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे दो, यानी 6/2, यानी 3 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर बच्चों। तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 πr³, याद रखना आपको ये 4/3 πr³ बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिए, 4/3 π का मान 22/7 या पाई का पाई रख लो, क्योंकि जो उसमें आएगा कट जाएगा, और ये 3 है त्रिज्या, तो 3 × 3 × 3, इसे 3 से 3 कैंसिल हो गए बच्चों, तो क्या जाता है, ये आ जाता है कि 4/4 × 22/7 और गुणा में 3 और गुणा में 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना ही छोड़ना, आपको सोल्व नहीं करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए, बेलनाकार जो बर्तन का व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेलनाकार बर्तन की, 6 आधी हो जाएगी। जब गोला पानी भरे बर्तन में डाला जाता है, तब माना बर्तन में जो पानी है वो ऊंचाई तक चढ़ जाता है, कहने का मतलब जब ये गोला डाला जाता है ना इसमें, तो ये जो ऊंचाई दे रखी है ना, ये ऊंचाई बढ़ जाती है, पानी की ऊंचाई इस तरह ना ये बढ़ जाता है। तो ये कितने मान लेते हैं हम, एच मान लेते हैं, कितने मानोगे बच्चों, एच मान लेते हैं कि एच बड़ा है। समझ गए क्या? तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा बेलनाकार बर्तन का आयतन, हमेशा ध्यान में रखना इस प्रकार के प्रश्नों में। तो 4/4 × 22/7 × 3 × 3, क्योंकि हमने आयतन निकाल लिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बच गया ये था, ये लिख लिया। और बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या माना है, सूत्र क्या होता है, बेलनाकार बर्तन का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr² होता है बच्चों, कितना होता है πr², जिसमें एच मानी है हमने, जो पानी का स्तर ऊंचा हुआ है ना, ऊंचा उठा हुआ है ना, वो गोला डालने के पश्चात। अब देखिए, इसमें 4 22/7 से 22/7 कैंसिल हो जाता है, और यहाँ देखिए, यहाँ ये 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 9 और 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 36, यानी गुणा किया, 3 × 3 = 9 और 9 = 36, और इस तरफ देखिए, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 36 हो गया ना बच्चों, तो 36 इधर हो गया, 36 ये दोनों कैंसिल हो गए सारे। अब बचा क्या, इधर तो 1 बच गया 1 सेंटीमीटर, इधर कितना बचा है, एच, तो एच कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है जो गोला डालेंगे ना, गोला डालने के बाद में जो पानी का स्तर ना, वो 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। प्रश्न में भी यही पूछा गया है, देखो कि पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न है। अब आपका होमवर्क है ये, देखो और आपको ये प्रश्न करने हैं सो समझ के। देखिए, यदि एक गोला, ये आज का होमवर्क है 8 जुलाई का बच्चों, समझ, देख लेना 8 जुलाई का आज का। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
5,544 स्क्वायर, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। इजी प्रश्न है, तो पहले गोले की त्रिज्या ज्ञात करो, फिर त्रिज्या से आयतन ज्ञात कर लोगे। इसमें क्या, एक शीशे के ठोस आयतन की पलकी की माप क्रमशः 66 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, ज्ञात करो कि इनको पिघलाकर इससे 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, ये भी हो जाएगा। इसी प्रकार ये है, तीन क्वेश्चन है। 9 सेंटीमीटर की अंत त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में द्रव्य भरा हुआ है, समझ गए क्या, और इस द्रव्य को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है, ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे द्रव्य को भरने के लिए कितनी बोतलों की क्या होगी आवश्यकता होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो बेलनाकार बोतल है ना, एक बेलनाकार बोतल का क्या करोगे आप, आयतन ज्ञात करोगे, और इस अर्ध गोले का आयतन ज्ञात करोगे, और अर्ध गोले के आयतन में से और जो एक बोतल का आयतन का भाग लगाओगे, तो बोतलों की जो बेलनाकार बोतल है ना उनकी संख्या आ जाएगी, समझ गए क्या। इसी प्रकार ये है, इसी प्रकार ये तो इजी है पहला, तो इनको करके देखना बच्चों, ठीक है ना, चलो ठीक है।